नमस्कार, डीपीके न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दारवी। राजस्थान सरकार का एक विज्ञापन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विज्ञापन के जरिए सीएम गहलोत के सियासी संदेश देने की कोशिश की है। विज्ञापन के जरिए बजट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव मांगे हैं। मतलब सीएम अशोक गहलोत जनवरी में बजट पेश करेंगे। जनवरी में शुरू होकर बजट सत्र फरवरी तक चलेगा। वहीं यूथ वोटर्स पर सरकार इस बार फोकस कर रही है। युवाओं के लिए बजट में सुझाव भी मांगे गए हैं। बजट में इस तरह की घोषणा हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं से सुझाव मांगे हैं। बता दें कि राजस्थान में पायलट खेमे की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को सौंपने की मांग की जा रही है। राजेंद्र गुड्डा समेत कई नेता सचिन पायलट के समर्थन में आए दिन बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत का ये ट्वीट कई मायनों में खास हो जाता है। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले और मुख्यमंत्री के रूप में अगले साल जनवरी 2023 में बजट को पेश करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये बजट सत्र फरवरी तक चलेगा।